ऑप्शन दे ट्वेंटी दे। नाइन में रहती हो आप? तभी तो नहीं बताती मैं, आओगे तुम लोग। मैम आप ट्वेंटी नाइन सेक्टर में रहते हो? कोई खाना फेमस चीज बता मैंने दो। फेमस मैम आप चीज ट्वेंटी नाइन में रहते हो? गोल चक्कर है यहाँ पे, गोल चक्कर के पास रहते जो गर्मी दिल्ली। है बहुत, मार्ग है वहां, गर्मी पता तो नहीं हर कौन जगह कौन से है मार्ग है, बहुत है। क्या? अरे मेरे को स्ट्राइक का बॉर्डर है, मेरे घर के नीचे लाके मैम हम बोलना मत। प्रॉमिस करते हैं बिल्कुल नहीं आएंगे, प्लीज मैम प्लीज। मैं थोड़ी प्रॉमिस करती कि मैं स्ट्राइक वाली हरकत नहीं करूंगी। मैम एक हिंट ही दे दो, उसका स्पेसिफिक कोई लोकेशन, कोई कोई वहां की स्पेसिफिक चीज बता यस दो। हाँ, येलो कलर की एक बिल्डिंग है पास में। मैम ये तो हाँ बहुत ही वो हो गया ना, चलो, और मस्त बच्चे पढ़ने भी प्लेस। आए। चुप करो, लीनिका मैम बेचारी, लीनिका बेचारी दूसरी क्लास से इस क्लास में आई है सोच के कि पढ़ूंगी, कह रही स्टार्टिंग में आके क्या बात हो रही है यार, है ना लीनिका? हाँ, लेने का कह रही मुझे पढ़ाओ और मुझे भेजो, 10 मिनट के बाद जाना है उसने, स्टार्टिंग क्लास में सुई है बेचारी बच्ची की, बस उसे तो पढ़ने दो। डॉक्टर तो मिले हमें, रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। यस मैम, यस बढ़िया। तो अब मैंने सबको मैन्युअली ऐड कर लिया यार, अब और ना आना। आज का ऑब्जेक्टिव है डीएनए का स्ट्रक्चर, हो जाए वही वाली बात है कि टाइम बच गया तो डीएनए की पैकेजिंग भी कर लेंगे, ठीक है? डीएनए का स्ट्रक्चर वाला पार्ट खत्म हो जाए, जैसी रेपिटेशन है भाग जाइयो। ओके ठीक ओके है, तो डिस्क्राइब हम अगली डीएनए। बार गए। तू भाग के कहाँ जाएगा, ये तो क्लास है, वो लगा चुकी देख बेटे, मैम भाग के हम लोग ट्रेन ट्रेन पकड़ेंगे हम भाग के। पकड़ ले। न्यूक्लियोटाइड, आउट ऑफ टॉपिक, तभी तक बात करेंगे जब तक मेरा मन है, तेरे मन के हिसाब से नहीं करेंगे। चल न्यूक्लियोटाइड पता क्या होता है, नाइट्रोजनस बताओ बताओ न्यूक्लियोटाइड क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ बेस प्लस न्यूक्लियोटाइड, पेंटोज शुगर बेसिक यूनिट प्लस ऑफ डीएनए। फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फोरस फॉस्फेट आयन। बहुत बढ़िया, तीन चार और बोल ले। पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप, कार्बन नंबर 5 से लगा। देखो भाई, जिसने कल का लेक्चर नहीं लगाया उसके लिए तो ये समझना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, तो कल का लेक्चर अब लगा कर आना अगर नहीं लगाया तो, क्योंकि उसके बिना बेसिक्स हो नहीं पाएंगे। बीच में संडे आ रहा है, जिनका मिस हुआ है लेक्चर कंप्लीट करके रखना, ये तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाओगे। बेसिक स्ट्रक्चर है ये, ठीक है? तो ये होता है हमारा नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड की चेन से डीएनए बना है, तो डीएनए ऐसे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है? दो चेन को ऐसे बनाना बड़ा मुश्किल काम है, काम करते हैं अलग अलग रंग से बनाते हैं, उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये एक चेन है कि इसकी दो चेन हो गई। अब हम क्या करते हैं, स्टडी करना है तो मैं इसको स्ट्रेट बना लेती हूँ, थोड़ा सा मेरे लिए इजी हो जाएगा, ठीक है? एक येलो वाली एक रेड वाली। अब देखो एक चीज हम समझ सकते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड है इसके अंदर अरेंज है, तो कैसे अरेंज है वो जानना जरूरी है। तो मैं यहाँ वाला देखो इतने हिस्से को मैग्निफाई करके यहाँ बना रही हूँ, ठीक है? उसके बाद उसी के नीचे मैं न्यूक्लियोटाइड की चेन बनाती जाऊंगी। तो देखो न्यूक्लियोटाइड कैसा अरेंज होगा, यहाँ पे साथ साथ बना लोगे तो बन जाएगा, अगर छोड़ दोगे तो नहीं बनेगा, ये फैक्ट है। ये नीलिका पिछली क्लास में देख के आई होगी बेटा तू, तो ये ऐसे ही होगा, मर्जी है तुम्हारी, बाकी नहीं बनाओगे तो मैं फोर्स नहीं करूंगी इसे। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड हो, तुम देख सकते हो नाइट्रोजनस बेस सेंटर की तरफ पॉइंटेड है, बीच में पॉइंटेड है, ठीक है? ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड। अभी इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें पता चलने वाली है, इस वजह से मैं बना रहे हैं, ठीक है जी? ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड, मैं इसको नंबर दे देती हूँ अपनी सिंप्लिसिटी के लिए। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दो न्यूक्लियोटाइड है, ये तीन न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है जी? अब देखो कभी भी डीएनए जो है कहीं से तो स्टार्ट हुआ है ना, तो इजंट इट दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से ये कॉइलिंग होनी स्टार्ट हुई है, मानते हो? यो मैम, और कहीं पे जाके ये एंड यो भी हुआ है, ये भी सही है, कहीं जाके एंड भी हो रहा है ना मैम, ये, राइट? तो बेटा जहाँ ये स्टार्ट हुआ है, जहां पर ये स्टार्ट हुआ है देख के बताओ, या वहां पर जो फॉस्फेट है वो अकेला नहीं पड़ा, वो और किसी न्यूक्लियोटाइड से अटैच है? नो मैम, सेकंड वाला जो न्यूक्लियोटाइड है उसका फॉस्फेट तो अटैच है ना फर्स्ट वाले न्यूक्लियोटाइड से, लेकिन क्या फर्स्ट वाले का किसी से अटैच है? नो मैम, जो फर्स्ट वाले का न्यूक्लियोटाइड, जो ये फॉस्फेट है, नो फॉस्फेट कौन से कार्बन से अटैच होता है? कार्बन नंबर 5। मैम, तो मैं ये कह सकती हूँ कि कार्बन नंबर 5 पे जो फॉस्फेट है वो फ्री पड़ा है, सही बात है? यो मैम, तो वो एंड जहां पर, तो यो ध्यान से सुनना सारे चुप करके, वो एंड जहां पर कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट अकेला पड़ा होता है, वो और किसी न्यूक्लियोटाइड से अटैच नहीं होता, उस एंड ऑफ डीएनए को हम बुलाते हैं 5' एंड। 5' एंड का मतलब क्या होता है? 5' एंड मीन्स
हियर कार्बन 5 अटैच टू फॉस्फेट विच इज फ्री, ये फ्री है फॉस्फेट, तो इस वजह से इसे एंड हम 5 प्राइम एंड के नाम से जानते हैं। तो देखो ये चेन कहीं ना कहीं एंड भी हो रही है, इधर एंड हो रही है, यानी पे लास्ट पे भी कोई न्यूक्लियोटाइड होगा। अब जो लास्ट का न्यूक्लियोटाइड है, लेट्स अज्यूम ये वाला लास्ट का न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, तो अगर ये लास्ट का न्यूक्लियोटाइड है तो देखो इसके केस में फॉस्फेट तो ऑक्यूपाइड है लेकिन इसका कार्बन नंबर 3 फ्री नहीं बैठा। कार्बन नंबर 3 तो होता है जो फॉस्फेट से जुड़ता है, तो उसका कार्बन नंबर 3 फ्री है, तो मैं इस एंड को बुलाऊंगी 3 प्राइम एंड। तो 3 प्राइम एंड मींस कार्बन नंबर 3 ऑफ लास्ट न्यूक्लियोटाइड इज फ्री। समझ आया? दोनों पॉइंट लिख लिए, साथ साथ लिख लिया, जरूरी है, ठीक है। अच्छा मैंने एक चेन बना ली है, अब मुझे दूसरी चेन बनानी है। अब दूसरी चेन में न्यूक्लियोटाइड कैसे अरेंज होते हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो मैं पेज को आगे कर रही हूँ और मैं यहाँ बना रही हूँ, देखना ध्यान से देखना। एक येलो से बनाई थी मैंने चेन, दूसरी कौन सी है, रेड से बनाते, ये येलो वाली है। साथ साथ बना लोगे तो इजी रहेगा, देखो नहीं बनाओगे तो तुम्हें बहुत दिक्कत होगी बाद में, और जितना बनाओगे उतना सीखोगे, ये भी सच है, ठीक है। ये इसका नाइट्रोजनस बेस है, और एक चेन का नाइट्रोजनस बेस दूसरे चेन के नाइट्रोजनस बेस से अटैच होता है, करेक्ट? यस मैम। नाइट्रोजनस बेस, अगर मुझे नाइट्रोजनस बेस यहाँ लिखना है तो मुझे कार्बन नंबर 1 इस तरफ रखना पड़ेगा इसका। तो ये वाला मॉलिक्यूल कैसे अरेंज होता है, ये मॉलिक्यूल उल्टा अरेंज होता है, देखो कैसे, ये ऐसे अरेंज होता है, ये ऐसे पड़ा होता है। तो अगर इसका कार्बन नंबर 1 ये है, कार्बन नंबर 3 ये होगा, ठीक है, कार्बन नंबर 5 कहीं यहाँ पर होगा, यहाँ से फॉस्फेट अटैच होगा, तो ये वाला मॉलिक्यूल आपको उल्टा दिखाई देगा। समझ आई बात? ठीक है जी। तो मैं कह सकती हूँ, तो मुझे ये चीज इतना बता दो कि इस वाले पॉइंट पे पोलैरिटी क्या लिखूं, अगर ये मेरा 5 प्राइम एंड और ये 3 प्राइम एंड है तो यहाँ पर कौन सा एंड होगा? जो भी कार्बन फ्री है उसको लिखेंगे ना, तो यहाँ पे कार्बन 3 फ्री है ना, इसलिए इसको 3 प्राइम एंड कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारा 5 प्राइम एंड होगा। तो अगर मैं कहूँ जो डबल हेलिकल चेन थी हमारे पास ऐसे वाली जो हमने बनाई, उसमें एक एक जो स्ट्रैंड है, डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं, एक 5 प्राइम है 3 प्राइम है, तो दूसरे वाला बिल्कुल ऑपोजिट है ना, उल्टा लगा हुआ है, इसलिए ये 3 प्राइम एंड 5 प्राइम होगा, और ये हमेशा इसी तरीके से होगा। समझ आया? अब नाइट्रोजनस बेसिस कौन से बॉन्ड से अटैच होते हैं, दैट इज अ दोनों चेन्स, तो ये कुछ ऐसे घूमी होगी येलो के आसपास ब्लू। अभी कौन से टर्न में क्वाइल्ड है, देखो दो अगर रिबन्स है तो वो ऐसे भी घूम सकते हैं, वो ऐसे भी तो घूम सकते हैं ना, तो ये कैसे क्वाइल्ड होती है, राइट हैंड उठाओ और राइट हैंड को आगे रख के ऐसे घुमा दो, तो डीएनए ऐसे क्वाइल्ड होता है राइट हैंडेडली, ठीक है, क्लियर? अब जो नाइट्रोजनस बेस है वो सेंटर की तरफ पॉइंटेड है, ऐसे बनाया ना हमने, सही बात है, गलत तो नहीं कह रही? तो अगर नाइट्रोजनस बेस सेंटर की तरफ पॉइंटेड है तो ये जो दो चेन्स है ये किससे बनी है फिर, शुगर एंड फॉस्फेट, शुगर एंड फॉस्फेट से ये चेन बनी है, करेक्ट। तो ये हम कहते हैं डीएनए की बैकबोन, क्योंकि यही डीएनए को स्ट्रक्चर कहती है, नाइट्रोजनस बेसिस तो सेंटर में लग गए ना, तो डीएनए को स्ट्रक्चर उसकी बैकबोन देखती है, हमें भी तो हमारी बैकबोन एक स्ट्रक्चर देती है ना, तो डीएनए का बैकबोन जो होता है वो किससे बना होता है, शुगर एंड फॉस्फेट, शुगर एंड फॉस्फेट, पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट, ठीक है। ये नीट का बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मैंने जितने पॉइंट बताए हर किसी से क्वेश्चन आता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड, एक दो तीन स्टेटमेंट में बताओ क्या गलत क्या सही, क्लियर? यो यो मैम, यो यो मैम, नेक्स्ट पेज पे चलूं? यो
मैं तुमको बोल रही हूँ ना, ये सब यहाँ लिखा हुआ है ठीक है, तो मैं तुमको एक बार से जहाँ पे जरूरत है बताने की बता देती हूँ। देखो The two chain of DNA is anti-parallel. Anti-parallel ही तो होती है, एक का हेड ऊपर की तरफ था, एक का नीचे की तरफ था, anti-parallel होगी ना? ठीक है, तो दोनों चेन anti-parallel है, यानी कि एक की पोलैरिटी अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो दूसरी की पोलैरिटी बिल्कुल ऑपोजिट है, ये हमेशा रहेगा, यूनिवर्सल है ये। और ये जो हम डीएनए का स्ट्रक्चर कर रहे हैं, ये डीएनए हमारा बी डीएनए, देखो डीएनए ए डीएनए भी होता है, बी भी होता है, सी भी होता है, जेड भी होता है, हम बी डीएनए पढ़ते हैं जो हमारी बॉडी में मिलता है मेनली। ठीक है, बहुत तरीके के, तुम्हें डिटेल में नहीं जाना, बस याद रखना बी डीएनए पढ़ रहे हैं हम लोग, जस्ट इन केस कोई तुम नेस्ट वगैरह का पेपर दोगे ना तो वहां पूछ सकते हैं, थोड़ा सा हाई लेवल का आ जाता है। ठीक है, क्लियर इतना? यस मैम। बेसिस होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, एडिनिन थायमिन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा है और ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, क्लियर? यस मैम। अब इसमें जो चीज याद रखें वो ये कि मुझे ये बताओ कि मैंने तुम्हें डीएनए में कितने बॉन्ड्स बताए हैं, बताओ। थ्री टाइप्स, एक तो हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बस ये नहीं बताया था मैंने, बताया था फॉस्फोएस्टर बॉन्ड भी तो होता है, तो मेन बॉन्ड कौन सा है डीएनए का, कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड ऑफ डीएनए कौन सा है, क्वेश्चन आ सकता है। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। तुम सब हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बोलते हो, चक्कर क्या है? क्वेश्चन रिपीट करना, कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अच्छा पहले बताओ हाइड्रोजन क्यों बोला, हर किसी ने मुझे यही क्यों बोला? मैम हाइड्रोजन इसलिए बोला ना बिकॉज़ यहां ऊपर लिखा है ना कि जो दो बेस होते, तब जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू बेस पेयर्स फॉर्म करते हैं, इसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड। इसलिए तुम्हें लगा कि वो इंपॉर्टेंट है, ओके मेक सेंस। यस मैम, पर हाइड्रोजन बॉन्ड जनरली वीक होता है क्योंकि तुमने पढ़ा है ना म्यूटेशंस भी होती है। यस मैम, यो यो मैम। हां तो दो दो चेन एक दूसरे से तब मिलेगी जब वो दो चेन बनेगी, और दो चेन बनाता कौन है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर ये है ना ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ना, अरे बॉन्ड करता ना इस डब्बे को, इस डब्बे से ये अटैच कर रहा है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, इसके बिना कुछ नहीं होगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इज द कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड, समझ आई? दोबारा नहीं बनाऊंगी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, तो ये नीट का क्वेश्चन बन सकता है, मुझे अच्छा लगा क्वेश्चन। डन, मैम वेट, यू यू मैम, यस कर ले कर ले। अंगूठे आ गए एकदम से। चलो अब स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में थोड़ा साइंटिस्ट के नाम के बारे में जानते हैं, ठीक है? क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आता है, इस चैप्टर में हर पार्ट से क्वेश्चन आता है भाई, ये जरूरी है, ठीक है? इसके बाद मैं थोड़ा सा एनसीईआरटी भी पढ़ाऊंगी, मैंने कहा था ना हर रोज थोड़ी सी एनसीईआरटी पढ़ेंगे तभी खत्म होगा, जब कोई चीज बहुत लंबी होती है तो उसको छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेना चाहिए, एक तो वो इजी हो जाती है और दूसरा मैं बोर नहीं होती, ये तो मैं बोर हो जाती हूँ एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते। नाइस, तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, सबसे पहले जो न्यूक्लियस के अंदर कोई स्ट्रक्चर है ये देखा था फ्रेडरिश मिशर ने, ठीक है, और उन्होंने इसे कहा था न्यूक्लीन क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर कोई स्ट्रक्चर था, पर वो डीएनए है कैसा दिखता है कुछ भी नहीं बताया, तो 1869 की बात है। उसके बाद पहली बार स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए तो सबसे पहला एक्सरे डिफ्रेक्शन टेक्निक से फोटो बनाई थी डीएनए की, दैट वाज बाय रोजेलिन फ्रैंकलिन, सुना इनके बारे में? यो यो मैम। तो ये स्ट्रक्चर था, ये पिक्चर थी डीएनए की, अगर आप देखोगे तो आपको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई देते हैं यहाँ पे दो, तो ये रोजेलिन फ्रैंकलिन ने एक्सरे डिफ्रेक्शन टेक्निक से बनाया था इसको। एक्सरे डिफ्रेक्शन, आई होप। मैम उस टेक्निक में क्या होता था? सॉरी, पता नहीं क्यों दिखा रही, मैं 18 साल से ऊपर हूँ। ले नहीं रहा से। मैम किसी भी पिक पे क्लियर पिक पे दबा दो शायद आ जाएगा।
मैं आपने सी फ्रैक्शन लिखा है। यार वो तो मतलब ये है कि वो ठीक करके दे, नहीं आ रहा, नहीं मानी नहीं रहा मैं एटिंग के ऊपर। एनीमीज मैम आप देखो एक बार, अब एक्सीड डिफ्रेक्शन में क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस है सैंपल है उसको क्रिस्टलाइन फॉर्म में रखते हैं और उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग एक्सरेज डालते हैं, वो एक्सरेज पीछे जाके एक इमेज फॉर्मेशन करती है और एक्सरे की एक पूरी लेयर आ जाती है, तो बहुत बड़ा सेटअप होता है, एक रूम जितना सेटअप होता है। ठीक है, तो एक्सरे डिफ्रेक्शन वो बहुत खतरनाक एक्सरेज है, बेसिकली कैंसर कॉजिंग एक्सरेज होती है अगर ढंग से यूज ना की जाए तो। एक्सरे डिफ्रेक्शन टेक्निक से सबसे पहले रोजेलिन फ्रैंकलिन ने इमेज बनाई थी, लेकिन उस टाइम पे पेट्रियार्की बहुत ज्यादा थी और फीमेल साइंटिस्ट को इतना सपोर्ट नहीं किया जाता था, विच इज ट्रू, मैं ऐसे नहीं बोल रही। तो नोबल कम्युनिटी में भी जो सीनियर सारे होते थे, जो सिलेक्टिंग कमेटी होती थी, वो भी मेल्स की होती थी, तो फीमेल को रिसर्च में इतना सपोर्ट नहीं होता था। तो रोजेलिन फ्रैंकलिन और मॉरिस मिल्किन उनके सीनियर थे। इट इज बिलीव कि मॉरिस विल्किन ने छुपके से, मतलब बिना रोजेलिन फ्रैंकलिन के कंसर्न के, उन्होंने जो पिक्चर थी ना एक्सरे डिफ्रेक्शन से आई, वो वॉटसन एंड क्रिक को दिखा दी थी, और वॉटसन एंड क्रिक ऑलरेडी वर्क कर रहे थे डीएनए के स्ट्रक्चर के ऊपर, वो ढूंढ रहे थे कि कैसा होता है स्ट्रक्चर, तो वो दूसरों के रिसर्च पेपर पढ़ रहे थे। तो जब उन्होंने वो पिक्चर देखी तो उनको रियलाइज हो गया कि ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होगा, ये सिंगल नहीं हो सकता। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, फटाफट से अपनी रिसर्च पेपर अक्यूमुलेट करके पब्लिश कर दिया रोजेलिन फ्रैंकलिन से पहले, पर उसको तो कोई आइडिया नहीं था ना कि उसकी रिसर्च लीक हो चुकी है, कि रिसर्च आप छुपा कर रखते हो नहीं तो लोग ले लेते हैं वो। तो फिर फाइनली वॉटसन एंड क्रिक पब्लिश करते हैं, इस वजह से तो क्रेडिट है कि पहला डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए किसने दिया था, वो वॉटसन एंड क्रिक ने ही दिया। तो अगर क्वेश्चन आएगा तो आप इस पे टिक करोगे। ऑल्दो टेक्निकली डिस्कवरी करी थी रोजेलिन फ्रैंकलिन ने, लेकिन उनको क्रेडिट नहीं मिलता। ठीक है, और बाद में जब नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट हुआ था तो वॉटसन क्रिक और मॉरिस विल्कन को मिलता है, लेकिन रोजेलिन फ्रैंकलिन को वो नॉमिनेट नहीं करते हैं, क्योंकि वो नोबेल कमेटी का होता है कि 3 लोगों से ज्यादा नोबेल प्राइज किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता, तो इन 3 को मिलता है उसे कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि उस टाइम पे पेट्रियार्की बहुत ज्यादा थी। एनीवेज लेटर ऑन शी डाइड बिकॉज ऑफ कैंसर, सो दैट वाज द स्टोरी, द सैड वन। हेलो, वो भी चले गए? मैम है, मैम कुछ चाहिए? ओके मैम यार, तो हम जब भी पढ़ते हैं इसके बारे में तो हम सबको दुख होता है, रोजेलिन के साथ हुआ बहुत बुरा। काफी टाइम तक वॉटसन एंड क्रिक ने इसे क्रेडिट भी नहीं दिया था, इट वाज क्रिक जिसने फाइनली लेटर ऑन एक बहुत लेट अपने इंटरव्यू में एक्सेप्ट किया था कि इट वाज रोजेलिन फ्रैंकलिन जिसकी वजह से हम एक्चुअली स्ट्रक्चर डिकोड कर पाए थे, वॉटसन ने तो कभी माना ही नहीं। सो ऐसा भी हुआ था भाई, और हिस्ट्री में ना बहुत सारे ऐसे नोबेल तो प्राइज मैम उसको जो रोजलिन को उसके बाद नोबेल प्राइज मिला या नहीं मिला? नहीं मिला, उन्हें कंसीडर भी नहीं करा गया कि उन्होंने डिस्कवर करा स्ट्रक्चर। शी डाइड आफ्टर दैट, उन्हें कैंसर हो गया था ना, सो उनको कंसीडर भी नहीं किया गया, तो उन्हें मिला नहीं। ऐसे रिसर्च में बहुत है। उस टाइम पे कैसा होता था कि जैसे मेल और फीमेल रिसर्च कर रही है ना, पर मैंने इस पर बुक पढ़ी थी पूरी, कि जब फीमेल और मेल रिसर्च कर रहे हैं और वो पेपर पब्लिश पढ़ते हैं, तो पेपर पब्लिश में अगर लड़के का नाम है तो क्रेडिट सारे रिसर्च का लड़के को चला जाता है, फीमेल को नहीं मिलता था। तो देर आर केसेस, मुझे वो हस्बैंड वाइफ का नाम नहीं याद आ रहा, जिसमें रिसर्च फीमेल की थी पर उसने अपने हस्बैंड के साथ पब्लिश किया था और नोबेल प्राइज हस्बैंड को मिल गया था और फीमेल को क्रेडिट भी नहीं मिला था उसके। तो उस टाइम पे ऐसा होता था। अब नोबेल कमिटी में फीमेल्स भी हैं तो नॉर्मलाइज हो गया है, लेकिन उस टाइम पे पेट्रियार्की इतनी स्ट्रांग थी कि कंसीडर नहीं करते थे रिसर्च में फीमेल का कॉन्ट्रीब्यूशन। इसको जो ब्रेक करती थी दैट वॉज ओनली मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी वॉज स्मार्ट, वो जीनियस थी, उन्होंने अपना एक भी रिसर्च पेपर किसी मेल के साथ पब्लिश ही नहीं करा। उनके खुद के हस्बैंड रिसर्चर थे और उनकी खुद की बेटी भी रिसर्चर थी, लेकिन उन्होंने अपने सारे पेपर अकेले पब्लिश करे थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर एक भी मेल हुआ रिसर्च पेपर में तो उनको क्रेडिट मिलेगा ही नहीं। और उनकी रिसर्च इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि उन्हें 2 नोबेल प्राइज मिले, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। एक लड़की को फिजिक्स और केमिस्ट्री दो अलग फील्ड में नोबेल प्राइज मिला, ये बहुत बड़ी बात है। सो शी वॉज द ओनली वन। उनके हस्बैंड को भी नोबेल प्राइज मिला था अपनी रिसर्च के लिए, और उनकी बेटी को भी नोबेल प्राइज मिला था, तो मतलब नोबेल फैमिली के नाम से जानी जाती है पूरी फैमिली। यस मैम, बट शी वॉज द स्मार्टेस्ट वन आई वुड से, कि उन्होंने किसी के साथ कोलेबोरेशन करा ही उनके नहीं। हस्बैंड को किसने मिला था? बायोलॉजी में? नहीं, आई डोंट थिंक बायोलॉजी में थे, शायद वो फिजिक्स से थे, मुझे उनका तो नहीं इतना याद, तो मुझे मैरी क्यूरी के बारे में मैंने पढ़ा ना, तो मुझे उनका पता है। सो शी वॉज स्मार्ट, तो उन्होंने पेपर ही अपने नाम से पब्लिश किया, कहते दे नोबेल देना दो नहीं तो मत दो किसी और को नहीं लेने दूंगी। और उनकी रिसर्च इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी और किसी के साथ क्रेडिट बांट नहीं सकते थे, तो मजबूरी में सबको उन्हें ही देना पड़ा। एनीवेज,
सो अगर क्वेश्चन, हाँ मानसी तो डीएनए इज अ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो आपस में क्वाइल्ड होती है, राइट हैंडेड फैशन में क्वाइल्ड होती है, ये नीट का क्वेश्चन है. बैकबोन शुगर एंड फॉस्फेट से बनी है, ये नीट का क्वेश्चन है. बेसिस सेंटर की तरफ प्रोजेक्टेड होते हैं, इनसाइड की तरफ, यानी कि ये दो चेन के बीच की तरफ नाइट्रोजनस बेसिस है, ये नीट का क्वेश्चन. अब तुम बोलोगे इतने बेसिक क्वेश्चन आते हैं, एक्चुअली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में चार पांच स्टेटमेंट आ सकती है, तो तब ये क्वेश्चन बन सकते हैं और तब सॉल्व नहीं होंगे. तो जो अंडरलाइन किए है ना, बाद में नोट से इसे लिख लेना, ठीक है? अब मैं आपको बताती हूँ, जब वॉटसन एंड क्रिक स्टडी कर रहे थे इसकी स्ट्रक्चर को, ढूंढ रहे थे दूसरों की रिसर्च चोरी करके, तब चारग्रिफ जो थे उन्होंने भी रूल दे रखा था, तो चारग्रिफ के रूल ने भी बहुत मदद करी थी इस रिसर्च में, ठीक है? तो चारग्रिफ ने क्या बताया था, जो आप पढ़ते हो ना एडिनिन थायमिन के साथ बॉन्ड कर रहा है, यूरेसिल, तो ये सब चीजें चारग्रिफ ने ऑलरेडी बताई थी. तो हम लोग इस रूल को पहले तो डीएनए में अप्लाई करेंगे, आरएनए में मत डालना, कॉम्प्लीमेंट मत करना जिंदगी. तो चारग्रिफ के बारे में जानते हैं, चारग्रिफ रूल, उन्होंने वो बताया जो आप अभी एक्चुअली पढ़ रहे हो, उन्हीं की वजह से पढ़ पा रहे हो. पहली चीज अपने माइंड में क्लियर कर लो कि जब मैं बोल रही हूँ एडिनिन बॉन्ड्स विद थायमिन एंड ग्वानिन बॉन्ड्स विद साइटोसिन, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई हमारे पास टुकटुक है, तो टुकटुक के जो सेल्स के अंदर डीएनए है, उसके डीएनए में इसका अमाउंट एकदम कॉन्स्टेंट है. ऐसा नहीं है कि एडिनिन थायमिन 50% होंगे और ग्वानिन एंड साइटोसिन 50% ही होंगे, ऐसा नहीं होता. हर किसी में वेरी कर सकता है, तो जरूरी नहीं हर किसी में सेम हो. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सिर्फ 40% ये हो और 60% ये हो. टोटल अमाउंट इज 100%, पर नंबर वेरी करता रहेगा. तो ये बात क्लियर है सबको? एक चीज हमेशा रहेगी कि जितना अमाउंट एडिनिन का है उतना ही थायमिन करेगा, क्योंकि एडिनिन अकेला थोड़ी पड़ा रहेगा. सो इफ आई से एडिनिन के मॉलिक्यूल है 10, तो थायमिन के मॉलिक्यूल कितने मिलेंगे? 10. अगर ग्वानिन के मॉलिक्यूल है 6, तो साइटोसिन के 6. राइट, तो अमाउंट इनका सेम रहेगा. इतनी बात क्लियर? बनाई और उसी के बेस में हम लोग क्या करते हैं, उसी के बेस में बहुत सारे न्यूमेरिकल करते हैं. एक न्यूमेरिकल करते हैं, उससे इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है? राइट, डूइंग दिस न्यूमेरिकल, एक बार ये करो, आंसर भेजो चैट में, उसके बाद मैं करवाती हूँ कैसे होगा, ठीक है? एक बार ट्राई सारे करना, नहीं तो समझ नहीं आएगा कि गलती कहाँ हुई है. करो लीनिका, होना हुआ नहीं तेरा, पूरा पढ़ के जाएगी. अच्छा ठीक है, पढ़ ले. चलो यहाँ मुझे वैरायटी ऑफ आंसर आई, ये पहली क्लास है जहाँ मुझे वैरायटी ऑफ आंसर आए. मेरी वॉइस नहीं आ रही? आ रही है, आ रही है. ये ले बावली बच्ची. मैम आपकी स्क्रीन शेयर ऑफ हो गई. अब ऑन कर दी मैंने. अब आ रही आवाज? ओके, अच्छा लगा वैरायटी ऑफ आंसर आई, यानी कि लोगों ने सोचा, अच्छा लगा मुझे, बहुत खुशी हुई मुझे. इसी खुशी के साथ कैसे सो पाऊंगी आज मैं? कोई बात नहीं, अक्षिता का होमवर्क चेक कर देंगे, ठीक है अक्षिता? मैम आपकी मर्जी है, मैं तो दे दूंगी होमवर्क. देवी चरण का है तुम्हारे, मैं यही छूना चाहूंगी. एमसी की तो मैं क्लास में कराऊंगी ना, मुझसे क्यों चेक करवा रही है? चलो इधर आओ, देखो इन्हें डीएनए पर्सनल थायमिन दिस. तो देखो जब भी ये क्वेश्चन आएगा, इसका मतलब है चार नंबर आ गए तुम्हारे पास, है ना, छीन लेने हमने, ठीक है? अब हमेशा हमने सबसे पहले क्या लेना है, टोटल परसेंटेज हमने हमेशा लेनी है 100, हमेशा 100 लेनी है, ताकि हम एंड में काउंट कर सके कि हमने सही कैलकुलेशन करी है या नहीं. अब गिवन क्या है, थायमिन, थायमिन इसने दे दिया 20%. अगर थायमिन 20% है तो ए के साथ कौन बॉन्ड करता है? थायमिन. तो एडिनिन कितना होगा? 20%. टोटल परसेंट वुड बी 40%. 40%, 100% कहां से हो गया बे?
दिमाग बदलेगा, बहुत मार खाएगा। तो 100% में से 40% तो एडेनिन और थायमिन ही हो गए, तो कितने परसेंट बचा डीएनए में? 60% मेरे पास लेफ्ट रह गया डीएनए में। अब अगर मैं 60% में बोलती कि 60% मेरा ग्वानिन है और 60% ही मेरा साइटोसिन होता, फिर सेम ही होना चाहिए, तो ये तो 120 हो गया, तो ज्यादा हो गया है ना। तो कुछ नहीं करना, जितना परसेंटेज ऑफ डीएनए लेफ्ट है उसका हमेशा हाफ कर दो। 60 का हाफ वुड बी 30। अगर मैं कहूँ ग्वानिन मेरा 30% है तो साइटोसिन कितना होगा? टोटल वुड बी 60। तो हमेशा एडेनिन थायमिन ग्वानिन एंड साइटोसिन का जो टोटल है उसको ऐड करके एक बार कंफर्म कर लेना। 60 + 40 = 100%। तो मेरी कैलकुलेशन तो सही है, ठीक है। अब मैं देखती हूँ क्वेश्चन में क्या पूछा है। इन अ डीएनए परसेंटेज ऑफ थायमिन इज 20%, 20% थायमिन है, बट विल बी द परसेंटेज ऑफ ग्वानिन, तो ग्वानिन की परसेंटेज कितनी निकली? 30%। ठीक है, तो इसे एक बार लिख लो, अभी और क्वेश्चन आएगा तो काम आएगा आगे। सी मैम एक बार रिपीट करेंगे प्लीज। कहाँ से बता मैम? जी 20% 2020 वाले सबने लिख लिया? कुछ नहीं, हमें ये करना है, हम लेंगे टोटल परसेंटेज, हम स्टार्टिंग में लेंगे 100% कि डीएनए में 100% नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है थायमिन हमारे पास 20% है और हमें पता है एडेनिन बॉन्ड्स विद थायमिन, तो अगर थायमिन 20% है तो एडेनिन भी 20% होगा, सही बात है, ठीक है? यस मैम। यानी कि टोटल 40% डीएनए में, 100 में से 40% एडेनिन और थायमिन है डीएनए के अंदर, इतना क्लियर है ना हमें? Yes, तो फर्स्ट स्टेप हो गया। अब मुझे देखने ग्वानिन एंड साइटोसिन कितने परसेंट है, ठीक है। तो अगर 100 में से 40% एडेनिन एंड थायमिन है तो 60% डीएनए भी फ्री है ना? Yes, ma'am. तो 60% डीएनए में होंगे हमारे पास ग्वानिन एंड साइटोसिन। अब ग्वानिन एंड साइटोसिन कितने हैं, तो जितना भी बचा हुआ परसेंटेज ऑफ डीएनए हो रहा है उसको आप हाफ कर लिया करो। 60 का हाफ होता है 30। अब 30% अगर मैं बोल दूं मेरे पास ग्वानिन है तो साइटोसिन कितना होगा? ग्वानिन पेयर विद साइटोसिन ना, तो वो भी इक्वल होगा 30%। तो 30-30 60% हो गया। एंड में ना चेक करने के लिए कुछ मत किया करो, एडेनिन थायमिन के ग्रुप का जो टोटल है उसको प्लस कर लिया करो ग्वानिन और साइटोसिन के ग्रुप से, 60 100 हो गया ना। देखो 100% डीएनए में 60% ग्वानिन एंड साइटोसिन है एंड 40% थायमिन और एडेनिन है। अब क्वेश्चन में पूछा है अगर थायमिन 20% है तो बताओ ग्वानिन कितना होगा, तो ग्वानिन हमारे पास कितना है? 30% Zoom में क्लासेस अच्छी रहती? हाँ, मेरे को फिर फोन नहीं चलाना पड़ता ना, Zoom में मुझे मैसेज स्क्रीन पे दिख जाता है ना, Google Meet में मुझे फोन में देखना पड़ता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है मुझे। सही बात है, जीत गई तू, खुश। कल से Zoom पे लगाया करेंगे। Zoom पे नहीं लगेगी, Google Meet पे लगेगी, ये क्लासेस ऐसी ही लगेगी, यहाँ पे ऐसी लगती है, अब मेरे हाथ में नहीं है ये। मुझे ना Zoom सुनाई दिया। अच्छा नहीं बेटा, ये क्लासेस ऐसी लगती है, ये तो सिस्टम डिसाइड करता है, मैं नहीं होती। ऐसे देखो, देयर आर सम डेटा व्हिच यू हैव टू लर्न, रट्टा मारना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकती मैं इसमें, सॉरी। ये लर्न करना है, उसके अलावा ये डाटा ये लर्न करना है, मैं इतना कर सकती हूँ कि इसको एक बार लर्न करके आना जितना तुमसे होता है। जब मैं तुम्हें एनसीईआरटी रिवाइज कराऊंगी ना, तब ये तुमको और अच्छे से हो जाएगा, ठीक है? क्लियर मैम? मैं कह रही ठीक है, मम्मी कह रही मेरी ठीक है। आपको थोड़ी याद करके आना है। मैम बच्चे पे जुल्म करोगे आप पे जुल्म होगा। मम्मी अभी क्लास स्टार्ट हुई है, इनकी तो थी भी नहीं।
बकवास मत करो, समझ आई? अब पैकेजिंग और डीएनए की बात करते हैं। नलायक को एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास इतनी बड़ी थ्रेड है, स्कूल का रिबन लगा लो, इतना बड़ा रिबन है, उसको छोटे से डब्बे में डालना है, कैसे डालोगे? फोल्ड कर दोगे, उसको गुचड़ मुचड़ कर दोगे, बेसिकली ये करोगे ना? तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए भी यही होता है। डीएनए 2.2 मीटर लंबा, न्यूक्लियस हमारा छोटू सा, इतने छोटे से न्यूक्लियस में कैसे डाले डीएनए? तो डीएनए को क्या करते हैं, ऐसे कॉइल करवा देते हैं, उसी को हम कहते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। डीएनए को गुचड़ मुचड़ कर देना। अब देखो, अगर मैं रिबन को करती तो मैं बाहर से फोर्स लगा दी, डीएनए में बाहर से फोर्स तो लगाऊंगी नहीं। तो डीएनए को ऐसा करने के लिए चार्जेस की यूज होता है। तो डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव। तो अगर इसको किसी की तरफ अट्रैक्ट होना है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज होना चाहिए? पॉजिटिव, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये तो तुमको ऐसे पता होगा, है ना? फालतू की बात करा यो यो मैम, खुश हो गया है। तो अगर डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो ये पॉजिटिवली चार्ज के पास जाएगा। तो पॉजिटिवली चार्ज एक प्रोटीन होता है हमारे सेल के न्यूक्लियस में पड़ा होता है, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये प्रोटीन है हमारा सा गोलू, और इस गोलू का नाम क्या है? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन इज पॉजिटिव इन नेचर, क्योंकि ये बेसिक अमीनो एसिड से बना होता है। अमीनो एसिड बहुत तरीके के, मैंने तुम्हें एक भी नहीं पढ़ाई जी, मैंने 11 थोड़ी पढ़ाई है, बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा तो पूछो। लेकिन ये होते बेसिक प्रोटीन से बनी है। अब इनके पास दो बेसिक प्रोटीन है मेनली। देखो ये प्रोटीन है ना, प्रोटीन आर मेड अप ऑफ व्हाट? अमीनो एसिड या अमीनो एसिड की चेन होती है। बहुत तरीके के अमीनो एसिड होते हैं, इनमें से दो ऐसे हैं जो बेसिक नेचर में और बहुत बार आ रहे हैं, इस वजह से ओवरऑल हिस्टोन के ऊपर चार्ज प्रोटीन होता है। ऐसा नहीं और अमीनो एसिड नहीं होते, पर ये वाले दो बहुत बार बार आते हैं। तो वो दो मेन बेसिक अमीनो एसिड कौन से है? ये वो है जिसके लिए हम जाएंगे घूमने के लिए, जगह का नाम है लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस कैसे जाओगे? पैदल चल के जाओगे, साइकिल पे जाओगे, या फ्लाई करके? एरोप्लेन से या शिप से? फ्लाई। एरोप्लेन से, हेलीकॉप्टर से नहीं जाएगा? मैं फ्लाई करके जा सकते हैं। फ्लाई करके, फ्लाई करके जाएगा सुपरमैन? पता? नो मैम, शक्तिमान सुपरमैन। हाँ, ये वो सुपरमैन किस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से डरता था? डरता था? यस मैम। मैंने तो देखा नहीं है। मैंने भी नहीं देखा। क्रिप्टॉन, मैंने क्रिप्टॉन देखा था म्यूजियम में। आई वाज शॉक्ड, क्रिप्टॉन कैसे पड़ा है वहां? पक्का क्रिप्टॉन नहीं है? मुझे नाम से डाउट हो रहा है, तेरी ऑथेंटिसिटी पे डाउट है मुझे। गूगल सर्च करो। गूगल मुझे कुछ नहीं दिखा रहा, उसको लगता है मैं 18 साल से कुछ पढ़ी नहीं। पता नहीं क्या हो गया, कौन सा चाइल्ड लॉक लग गया। क्रिप्टॉन वो देखा था मैंने, मैं म्यूजियम गई थी कोलकाता म्यूजियम, वहां पे देखा था मैंने। अरे तुम्हें बताया, मैंने वो भी देखा था, तुमने आर्कियोप्टेरिक्स का वो देखा फॉसिल? तुम्हें नहीं पता ना आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? नो मैम। मैं थोड़ा जल्दी बता दिया अपने शब्द एलिमेंट आप हर रोज नहीं देखते, सो वो बढ़िया था। और मैं आर्कियोप्टेरिस की बात वापस लेती हूँ, इवोल्यूशन पढ़ाऊंगी ना तब मैं तुमको वीडियो भी है। शट अप, लिसन। मैम एक डायनासोर होता है। देख अब तू मेरा मूड ना खराब कर, इधर आ। रेडियोएक्टिव एलिमेंट। तो दो बेसिक अमीनो एसिड है इसके पास, लॉस एंजलिस से हम याद रखेंगे, और वहां पे हम कैसे जाएंगे? फ्लाई करके जाएंगे। हाँ, फ्लाई करके जाएंगे। तो एल से हमें याद रखना है लाइसीन, और ए से याद रखना है हमें आर्जिनिन। ये नीट का इतनी बार आया हुआ क्वेश्चन है ना, मतलब बहुत ज्यादा बार, दे लव दिस क्वेश्चन। हिस्टोन पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है? तो मैंने ये फ्लाई के बीच में डाला क्योंकि एल से लाइसीन भी होता है और ल्यूसीन भी होता है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होती है ऑप्शन में। तो याद रखना लाइसीन में फ्लाई वर्ड आया ना, फ्लाई में वाई आता है, तो लॉस एंजलिस फ्लाई करके जाओगे ना, तो वाई याद रखना, लाइसीन लिखना है, ल्यूसीन नहीं, ठीक?
समझ आया? यो तो ये क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, बहुत बार आता है. दैट इन यूकेरियोट्स देयर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन, बेसिक प्रोटीन है ये हिस्टोन. ये पूछ लेते हैं वो एसिडिक प्रोटीन है या बेसिक. मलाइको बेसिक है. इसमें दो अमीनो एसिड मेनली है, लाइसिन एंड आर्जिनिन, जिसको पॉजिटिवली चार्ज बनाते हैं. यह है यूकेरियोट में. प्रोकेरियोट में क्या होता है? प्रोकेरियोट में हिस्टोन नहीं होता, हिस्टोन के अलावा और प्रोटीन होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज ही होते हैं, जो डीएनए को कॉइल करके एक ही जगह रखते हैं. जिस रीजन में वो डीएनए को रखते हैं ना, जैसे ये बैक्टीरिया है, तो उसका सारा का सारा डीएनए यहाँ पर है और उसके आसपास जो भी प्रोटीन है वो लगे हुए हैं. तो इस रीजन को जब आप माइक्रोस्कोप में देखते हो डार्कली स्टेन दिखता है, इस रीजन को आप न्यूक्लियोइड बुलाते हो, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है इनके पास, तो न्यूक्लियोइड रीजन है. ठीक है जी, क्लियर? और हिस्टोन नहीं होता इनके पास. ओके, तो ये रहा हमारा हिस्टोन और कुछ इस तरीके का दिखता है. डन? अब जो हिस्टोन है, थोड़ा सा और खोलना पड़ेगा मुझे. हिस्टोन, हिस्टोन इजी है, मजेदार चीज है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पे, फ्री के नंबर देके जाता है तुम. डिवीजन कर लेते हैं. हिस्टोन वन, हिस्टोन टू, लेकिन मेरा मन नहीं भरा, मैं दो बार टू लिखूंगी. ठीक है जी. हिस्टोन थ्री, हिस्टोन फोर, हिस्टोन फोर. ये दो बार टू का क्या मेरी मर्जी, मैं लिखूंगी मेरी मर्जी. मैम मर्जी नहीं है मैम, ये एच वन. मैम हम भी लिख सकते हैं हिस्टोन वन. हाँ बेटा तू भी लिख सकता है. कैसा होता है ये यूनिट है उसकी. कभी लीगो देखा? लीगो ये क्या है? लीगोज नहीं पता? प्लीज ओपन कर दो. ये ओपन कर दिया इसने नलायक कहीं का. ये लीगो यो मैम देखा है तो है ना. तो देख ये जो पूरी की पूरी जो स्लैब बन गई है, ये एक लीगो को दूसरे लीगो से ज्वाइन करके बनी है ना. तो हिस्टोन भी इन लीगोस की तरह ज्वाइन होता है. तो ये H1 यूनिट, ये H2 यूनिट, ये H3 यूनिट, ये H4 यूनिट है. ठीक है, तो ये सब यूनिट्स है हिस्टोन प्रोटीन की. समझ आई? अमीनो एसिड से ही बनी है. क्लियर? यस मैम. ठीक है, अब H2 तो एक जैसे है ना, तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए एक को H2A लिख दे, एक को H2B. सो दीज आर द सब यूनिट्स ऑफ हिस्टोन. ठीक है, बहुत बढ़िया. कितनी बार ठीक है बोलती हूँ, मैं बोर हो गई. अब देखो हर सब यूनिट के आगे दो यूनिट होती है. हर सब यूनिट दो यूनिट से बनी है. दो डब्बे बनाओ, एक दो बना लो, साथ साथ तीन चार. वे सर्कुलर बनाने चाहो तो सर्कुलर बना लो, ऐसा कुछ नहीं. कितने बने? एट बने. तो ये एट की एट सब यूनिट. हाँ, एट सब यूनिट्स ज्वाइन करती है और ज्वाइन करके क्या बनाती है? हिस्टोन. एट है ना, तो ऑक्टामर. ये नीट का क्वेश्चन है. ऑक्टामर वन का क्या हुआ बताती हूँ. तो ये बन गया मेरा हिस्टोन ऑक्टामर. बन की खास बात ये है, ये नॉट पार्ट ऑफ ऑक्टामर. तो इस पे बार बार क्वेश्चन आता है, तो कौन सी यूनिट है जो ऑक्टामर का पार्ट नहीं है? तो ये ऑक्टामर का पार्ट नहीं होता, लेकिन ये कुछ काम करता है. तो अभी मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगी ना, तो यू विल सी. ठीक है, लेकिन ये ऑक्टामर का पार्ट नहीं होता. क्लियर? ये भी नीट का फेमस क्वेश्चन हो गया. फेमस लोगों की बातचीत चल रही है आज. चलो डन. अब चलो डन मैम. अब देखो ये रहा मेरा डीएनए. तुरु तुरु तुरु. ये है नेगेटिवली चार्ज. जैसे ही इस नेगेटिवली चार्ज मनुष्य ने देखा, ये पॉजिटिवली चार्ज मनुष्य खड़ा है, इसने यह बोला आजा भाई जप्पी पाए. तो ये इसके आसपास चिपक जाएगा. लेकिन ये जप्पी सिर्फ दो बार पा सकता है, ये कंडीशन है. ठीक है जी, तो इसने दो बार इसको गले लगा लिया. कोई दिक्कत किसी को? नो मैम. तुम्हें दिक्कत है तब भी दो बार गले लगाएगा, मैं थोड़ी सुनेगा. तो ये दो बार इसको गले लगा लेता है. ठीक है, फिर बाहर निकल जाता है. बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है डीएनए का. तुरु 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 तुरु. फिर वापस से दोबारा से देखते हैं नए किस यूनिट को, हिस्टोन ऑक्टामर को. और ये फिर क्या करता है, उसको क्या लगाता है? गले लगा लेता है. कितनी बार लगाएगा गले? टू टाइम्स. दो टाइम्स.
एक टाइम क्यों लगाएगा, दो बार लगा रहा है जब वो सच्चा प्यार है उसका, हमारा जैसा थोड़ी है टिकटॉक वाला। मैम आपने स्टोन एच वन का क्या काम बताया? मैंने बताया ही नहीं पागल मैं तो बताया ही नहीं, ये हमारी शातिर बातों में आ गई। देखो तो इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये नहीं बहुत बड़ा है, चलता चला जाता है, गले लगाता जाता है, प्यार बांटता फिरता है बेचारा अगला, ठीक है जी। इतना क्लियर? तो डीएनए की क्या हो रही है, जब डीएनए खुला था और वो ऐसे गुचुड़ मुचुड़ होने लग जाता है, पास आने लग जाता है, साइज में छोटा होने लग जाता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंस होना, समझ आई? तो कंडेंस इज द वर्ड, आप सेल साइकिल सेल डिवीजन में सुनते भी होंगे, राइट? कभी सुना हो तो चलो कोई बात नहीं। यस मैम सुना। तो पहले हम इसको बोल रहे थे, इसको हम बोल रहे थे हिस्टोन ऑक्टामर ना, ऑक्टामर के आसपास डीएनए भी आ गया तो उसका नाम बदलना पड़ेगा हमें, इसे क्या बुलाएंगे, न्यूक्लियोसोम। तो इस पिक्चर में आपको कितने न्यूक्लियोसोम दिख रहे हैं? ठीक है, तो याद रखना एक गोला, उसके आसपास डीएनए दो बार वाइल्ड है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। ये नीट का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या था, सबसे पहले था डीएनए। डीएनए किसके पास जाके ज्वाइन हुआ, ऑक्टामर के पास, और जब वो ऑक्टामर के पास जाके ज्वाइन होता है तो वो क्या स्ट्रक्चर बनाता है, न्यूक्लियोसोम। बहुत सारे न्यूक्लियोसोम, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम जब एक साथ आप देखते हो, अगर मैं इसको एक साथ देखूंगी तो कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको, बहुत सारे गोलों के आसपास धागे लगे दिख रहे हैं। अंडर माइक्रोस्कोप दिस लुक्स लाइक दिस, ऐसा दिखता है ये सर्कल, दिख रहे हैं आपको छोटू छोटू? ये छोटे छोटे सर्कल जो है वो हमारे न्यूक्लियोसोम है। पिक्चर क्लियर नहीं है, इमेज खुल जाइयो भाई। तो जो छोटे छोटे सर्कल है ये हमारे न्यूक्लियोसोम है और उसके आसपास डीएनए के थ्रेड लगे हैं। तो ऐसे नहीं लग रहा है एक मोतियों की माला है? तो इसको मैं कह सकती हूँ बीड्स। अरे अरे अरे, इस सारे स्ट्रक्चर को मैं एक साथ कह सकती हूँ बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग, कह दूं मोती लगे हुए हैं इन धागे। अब अगर आपको हर बार बोलूंगी बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग तो लंबा नाम हो जाएगा ना, तो मैं इसको एक साथ बुला लूंगी क्रोमेटिन, क्रोमेटिन, ठीक है। यानी कि पहले डीएनए ऑक्टोमर के आसपास लगने के बाद न्यूक्लियोसोम में चेंज होता है और बहुत सारे न्यूक्लियोसोम टुगेदर मिलके क्रोमेटिन बनाते हैं। क्रोमेटिन और भी कंडेंस होता है और ये और कंडेंस होकर क्या स्ट्रक्चर बनाता है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम देखो कैसे, इतना बना लिया सबने? यस मैम। यो यो मैम, सारे थम्स अप कर दो भाई जिसने बना लिया। सब तो कुछ भी नहीं है, देखो डीएनए यहाँ तक आ जाएगा, इतना कंडेंस हो जाएगा और इसके बीच में बना लो प्रोटीन। ऐसे बनाते हैं हम लोग हिस्टोन, सस्ता और टिकाऊ काम, सच बताए तो। और इसके आसपास और भी प्रोटीन लगते हैं जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, सिर्फ हिस्टोन नहीं होते रिस्पॉन्सिबल, हिस्टोन मेन प्रोटीन है कंडेंस करने के लिए, और भी प्रोटीन लगते हैं। अभी इन स्ट्रक्चर को अगर आप मेटाफेज में माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो मेटाफेज में कैसे दिखेंगे आपको, इस तरीके से, एंड दिस इज नोन एज अ क्रोमोसोम, अल्टीमेटली क्रोमोसोम बन जाएगा। क्लियर? अब ना जो क्रोमेटिन में होता है, क्रोमेटिन स्टेज में ही ना एक्चुअली प्रोटीन फॉर्मेशन होती है, आप कुछ भी कर पा रहे हो ना क्योंकि प्रोटीन बन रहा है बॉडी में। तो जो प्रोटीन फॉर्मेशन होती है ना, आपका पूरा डीएनए नहीं कर पाता, डीएनए का बहुत छोटा सा पार्ट कर पाता है। तो कौन सा सेक्शन है डीएनए का जो प्रोटीन फॉर्मेशन कर पाता है और कौन सा सेक्शन है जो इनएक्टिव रहता है, मतलब आपकी बॉडी में पूरा डीएनए भी ना, एक सेल के अंदर जो पूरा डीएनए पड़ा है वो एक्टिव नहीं होता, बहुत सारा पार्ट है जो इनएक्टिव है। अब 5 मिनट की क्लास में उसको मैं चार्जिंग पे लगाऊं? होल्ड करो भाई, अभी
मैम यस आई एम हियर एग्जाम से पहले बनाने की जरूरत है मैम आप ये बता सकते हो कि आपने वो क्या बताया कि न्यूक्लियोसोम के बाद क्रोमेटिन कैसे बनता है न्यूक्लियोसोम अगर मैं अकेला दिखाऊंगी ना एक सर्कल है ठीक है बेटा लेकिन अगर न्यूक्लियोसोम की मैं चेन दिखा दूं तुझे बहुत सारी ऐसी तो इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं क्रोमेटिन कहूंगी मैम जब कंडेंस हो जाएगा तो उसे क्रोमोसोम बोलेंगे हाँ जब ये और पास आ जाएगा इतना पास आने लग जाएगा तो मैं इसे क्रोमोसोम कहूंगी ठीक है आती मैं हाँ तो पूरा का पूरा डीएनए प्रोटीन नहीं बनाता कुछ डीएनए ऐसे ही बैठे हैं जैसे पूरी की पूरी क्लास नहीं बढ़ती कुछ बच्चे ऐसे ही बैठे हैं ऐसे ये डीएनए भी तुम्हारे सेल के अंदर जी मैम यार तुझे बहुत पता है कौन पढ़ रहा है कौन नहीं है ना परमात्मा है तू अलग तो तुमने ऐसे पढ़ा था यू बैक्टीरिया कभी जी मैम कौन से बैक्टीरिया होते थे ये ब्लू ग्रीन एल्गी एग्जाम्पल नहीं पूछ रही मैं यू बैक्टीरिया किन बिन बैक्टीरिया को नाम बुलाते थे एग्जाम्पल सही है तेरा टू बैक्टीरिया तो बस यू वर्ड वहां से याद रख लेना सच्चाई वाले वैसे ही जो हमारा क्रोमेटिन होता है ना वो भी दो टाइप का होता है क्रोमेटिन स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ मैं क्रोमोसोम बहुत कंडेंस फॉर्म है ये सिर्फ डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे बनती है तो क्रोमेटिन दो टाइप का एक है यू क्रोमेटिन और एक है हेट्रोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन का मतलब होता है वो वाला क्रोमेटिन वो वाला डीएनए जो आगे जाके कोडिंग करेगा मतलब जो एक्टिव रहेगा ठीक है और ये स्टेन भी लाइटली होता है तो डीएनए जब कंडेंस होता है ना बहुत कंडेंस नहीं होता ना जहां से उस रीजन को यूक्रोमेटिन कहते हैं और जहां पे वो बहुत कंडेंस हो जाए अगर मैं तुमको एक रफ सी इमेज बनाऊं तो ये देखो जैसे यहाँ पर मान लो यहाँ बहुत कंडेंस है तो इस रीजन को इस पर्टिकुलर रीजन को मैं बुलाऊंगी हेट्रोक्रोमेटिन बहुत कंडेंस है जो इतना कंडेंस है वो कुछ प्रोटीन कोड नहीं कर पाएगा तो ये वाला हिस्सा कोई प्रोटीन कोड नहीं कर पाएगा लेकिन यूक्रोमेटिन है ये वाला जो इतना कंडेंस नहीं है तो ये थोड़ा एक्टिव होता है तो इससे प्रोटीन फॉर्मेशन होती है ठीक है समझ आई बात तो ये दो टर्म्स जो मुझे आपको बतानी थी या दैट वाज ऑल अबाउट द हिस्टोन किसी को गुड आउट मैंने बोला है ना यही थ्योरी में यहाँ लिखा है पढ़ के देखना ना समझ आए तो लेट मी नो चलो मैं एक बार कल के क्वेश्चन करो अरे अक्षिता जी आइए क्वेश्चन चेक कर लीजिए आप अपने खुद ही ठीक है जी ये ले अ न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्मड ऑफ अब ये न्यूक्लियोटाइड है तो जब भी ये क्वेश्चन आया ना टाइड और साइड देख लेना नहीं तो बर्बाद हो जाओगे टाइड तीन चीजों से बना होता है एक तो शुगर दूसरा फॉस्फेट और तीसरा नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन एंड पिरामिडिन दोनों ही नाइट्रोजनस बेस ही तो है और एक फॉस्फेट है तो शुगर तो खा गया ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता प्यूरीन शुगर एंड फॉस्फेट बेटा पिरामिडिन भी तो हो सकता है ना तो प्यूरीन तो होगा नहीं अकेला नाइट्रोजनस बेस शुगर एंड फॉस्फेट यहाँ पे तीनों चीजें तो सी इज करेक्ट पिरामिडिन लिखा यहाँ पे प्यूरीन नहीं लिखा शुगर एंड फॉस्फेट तो ये भी गलत हो गया तो आंसर वुड बी सी समझ में आया कैसे होमवर्क करके आए हो ना नहीं तो टाप जाएगा सर के ऊपर से बता देना नहीं करा तो DNA is composed of repeating unit of DNA में किसकी repetitive unit होती है? Deoxyribonucleotide. Nucleotide से होती है ना? तो tide वाला आंसर होगा. Deoxyribonucleotide की form में भी वो लिख सकते हैं. Deoxyribose तो sugar होती है ना उसमें तो इसलिए उन्होंने लंबा नाम लिख दिया. तो आंसर होगा D. Ribose नहीं होती है सिर्फ और ribonucleoside भी नहीं होती. तो B में गलती हो सकती थी. तो ध्यान से पढ़ना. Answer would be D. Now, the basic unit of nucleic acid is nucleotide. RNA does not possess RNA में क्या होता है? Thymine की जगह क्या होता है? Uracil. Which of the following statement is correct? तो मैंने correct को underline करा. मैं statement को solve करूँगी. Adenine pair with thymine. सही बात है. Through two hydrogen bond. सही है? Yo ma'am. Yo. अगली स्टेटमेंट है एडेनिन पेयर विद थायमिन थ्रू वन हाइड्रोजन बॉन्ड. वन हाइड्रोजन बॉन्ड कोई पढ़ा था? नो मैम. एडेनिन पेयर विद थायमिन थ्रू थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड. थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड से तो साइटोसिन और ग्वानिन होते हैं. ये गलत है. एडेनिन डज नॉट पेयर विद थायमिन. क्यों? उसके घर पे चाची मम्मी आई थी.
रहेंगे ही पेयर ये है भाई अंदर. प्यूरिन फाउंड बोथ इन डीएनए एंड आरएनए आर. तो प्यूरिन और पिरामिडिन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. ए टी जी सी एडिनिन एंड ग्वानिन आंसर वुड बी सी. देखो ये 2019 का क्वेश्चन है तो इतने सिंपल क्वेश्चन नीट में आते हैं. एक्चुअल में आते हैं इस बार तो नीट का मतलब आप पे लगा लो 3 से 4 क्वेश्चन छोड़ के बाकी सारा पेपर एनसीईआरटी से था. बायो का बायो इतनी स्कोरिंग थी अगर एनसीईआरटी किसी को बहुत अच्छे से आती होती तो बेसिक सही था वो फिर जब एनसीईआरटी बेस्ड होता है लेकिन उसमें भी नहीं आया हुआ है ना. तो ध्यान से पढ़ोगे तो हो जाएगा. देखो कितना बेसिक क्वेश्चन है राइट. नाउ द 3-5 फॉस्फोर डाइएस्टर. भाई जब भी बॉन्ड आएगा तो अंडरलाइन कर लेना डाइएस्टर बॉन्ड बोल रहा है. इनसाइड अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन सर्व्स टू जॉइन. तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का क्या काम होता है. वो क्या करता है किसको किससे जॉइन करता है बंदरों. वन न्यूक्लियोटाइड टू अनदर न्यूक्लियोटाइड. वन न्यूक्लियोटाइड टू अनदर वन न्यूक्लियोटाइड. एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से. आंसर इज सी. एक न्यूक्लियोसाइड को नहीं ज्वाइन करता ये गलत. वन डीएनए स्ट्रैंड टू अनदर. एक स्ट्रैंड को दूसरे स्ट्रैंड से ज्वाइन करने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं. ये थोड़ी होते हैं ये तो गलत हो गया. और एक नाइट्रोजनस बेस को पेंटो शुगर से. तो ये कह रहा है ये जो पेंटो शुगर है उससे नाइट्रोजनस बेस को इसको अटैच करने वाला जो बॉन्ड है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है. फॉस्फोडाइस्टर नहीं है तो ये भी गलत. आंसर वुड बी सी. क्लियर. ठीक है अभी नहीं जा रहे तुम लोगों. तुमने मेरा 5 मिनट खराब किए थे एंट्री करने में. ये क्वेश्चन करके जाओगे. ये क्वेश्चन करो फिर भाग जाना. डू दिस 2 मिनट्स. सॉल्व करना. आंसर दे दिया. देखो इन्हें सी अर्चिन डीएनए अपने कुछ नहीं करना. सी अर्चिन से पीछे डबल स्टैंडर्ड पास ये जानना था हमें. स्टार्टिंग में हम लेंगे टोटल इस 100%. हमें दे रखा है साइटोसिन इज 17%. तो ग्वानिन कितना होगा 17%. साइटोसिन ग्वानिन पेयर करते हैं तो ग्वानिन 17 ग्वानिन 17 तो बी ओ डी सी तो नहीं हो सकता. अब मुझे ये देख के भी पता चल रहा है कि जितना भी एडेनिन हुआ उतना ही थायमिन होगा ना. तो यहाँ पे एडेनिन और थायमिन का रेशियो ही अलग लिखा है तो ये तो गलत हो गया. आंसर वुड बी ए. लेकिन फिर भी हमें निकालने आना चाहिए क्योंकि और क्वेश्चन भी निकालने आना सकता है. तो 17 + 17 इज 34%. तो 100% में 34% डीएनए में साइटोसिन एंड ग्वानिन है. तो एडेनिन और थायमिन कितने बचे 100 में से 34% डीएनए रिमेनिंग है. तो जितना रिमेनिंग होता है हम उसके साथ क्या करते हैं उसका हाफ कर देंगे. हाफ कर दो 36 का हाफ वुड बी 33. अगर थायमिन मेरे पास 33% है तो एडेनिन कितना होगा 33. एक बार टोटल कर लेते हैं इनका 66 + 34 कितना होता है 100. मेरी कैलकुलेशन तो सही जा रही है. अब क्वेश्चन में क्या पूछा सबके बारे में पूछा तो उसने कहा ग्वानिन 17% मिल गया मुझे एडेनिन 33% एंड थायमिन 33%. आंसर वुड बी ए फॉर श्योर राइट. तो चलो हाँ सात्विक मैम आप एक बार पेडिग्री पे कुछ बेस्ड क्वेश्चंस भेज दोगे क्या. पेडिग्री पे कुछ बेस्ड क्वेश्चंस. पेडिग्री पे जितने क्वेश्चंस मैंने तो क्लास में करा दिए थे यार. मैं ढूंढ देती हूं कोई और दे दो और कुछ किसी मॉड्यूल से दे देती हूं मैं. ठीक है यस मैम थैंक यू मैम. देना हां शुक्रिया.